मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून कोई तोड़ेगा हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। छतरपुर थाने पर पथराव के मुख्य आरोपी शहजाद के घर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद पहली बार मुख्यमंत्री मोहन का बयान सामने आया है। थाने पर पथराव से 2 पुलिसकर्मी और 1 TI घायल हुए थे, जिसके बाद CM मोहन के कड़े निर्देश के बाद आरोपियों की पहचान हुई और मुख्य आरोपी शहजाद का करीब 10 करोड़ का बंगला कुछ ही घंटों में जमींदोज कर दिया गया। अब CM मोहन ने साफ किया कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई कानून तोड़ेगा तो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो असली भावना है, इस असली भावना को पहचानने की जरूरत है। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून कोई तोड़ेगा हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मैं पन्ना की धरती पर आकर के आपको और भाग्यशाली नाम ही नहीं पर्याप्त है, जिसके जन्म पन्ना से आसपास के गांव, जिसके बच्चे के जन्म लेने वाली धरती के नीचे रत्न भंडारों की खदान हो, उसके तो भाग्य क्या, उसके बाद किसका भाग्य हो सकता है। बता दें कि अपने धर्मगुरु के खिलाफ हुई टिप्पणी के मामले में विशेष समुदाय के लोग बीते बुधवार को थाने में ज्ञापन देने पहुंचे थे। इन लोगों में शहजाद अली भी शामिल था। थाने में अचानक पथराव होने लगा, जिससे 1 TI और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसके बाद CM के कड़े निर्देशों के बाद आरोपियों की पहचान की गई और मुख्य आरोपी शहजाद का करीब 10 करोड़ का बंगला ढहा दिया गया। फिलहाल CM का कहना है कि अगर कोई भी कानून तोड़ेगा तो हमारी सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। पन्ना से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।